खबर जी हिंदुस्तान के पास है, आरोपी केकड़ा की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जी हिंदुस्तान के पास आरोपी केकड़ा की तस्वीर, मूसेवाला हत्याकांड के शूटर्स की मदद का आरोप केकड़ा पर है। केकड़ा ने शूटर्स को गाड़ी मुहैया कराई थी, वही गाड़ी जिसमें हमलावर सवार होकर आए थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद वहां से वो फरार भी हो गए। और ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जी हिंदुस्तान पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये वही आरोपी है जो केकड़ा के नाम से फेमस है। इसी केकड़ा ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को गाड़ी मुहैया कराई थी, जिस गाड़ी में सवार होकर आरोपी आए थे, वारदात को अंजाम दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए। सीधे मानसा का रुख करेंगे इस वक्त मेरे सहयोगी हितेन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए। हितेन, एक के बाद एक पुलिस लगातार हाथ पांव मारने की कोशिश कर रही, लेकिन अभी सिर्फ केकड़ा गिरफ्त में आता नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस के हाथ कब तक खाली रहेंगे? क्योंकि अब जो परिवार है वो सीबीआई जांच की मांग लगातार कर रहा है कि पंजाब पुलिस के बस का नहीं है कुछ। बिल्कुल, देखिए अभी पंजाब पुलिस की तरफ से जो ताजा बयान दिया गया है आपको मैं बता दूं मकसूद, उस बयान के मुताबिक पंजाब पुलिस ने अब तक 8 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन इन 8 पर आरोप है कि आपने रेकी की है, रेकी के बाद आपने लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाया है, यानी कि गाड़ी और लोकल लेवल की मदद कराने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इतनी बड़ी कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। शूटर्स का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, सातों के सातों शूटर्स आपके सामने हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य, ये आपको भी पता है, लेकिन वो कहाँ है, कब गिरफ्तार होंगे, क्यों हत्या की गई, ये कब सुलझेगी गुत्थी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। अगर पंजाब पुलिस के हाथ में अगर आने वाले 4 से 5 दिनों के भीतर अगर कुछ नहीं लगता है तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में केस सीबीआई को या फिर एनआईए को, सेंट्रल एजेंसी को सौंपा जा सकता है। केकड़ा जो गिरफ्तार हुआ है उसका असली नाम बताया जा रहा है संदीप उर्फ केकड़ा, वो सिरसा का रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज इसी मानसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सीजेएम अदालत में केकड़ा को अब से कुछ देर बाद यहां पर जो है पेश किया जाएगा और उसकी रिमांड ली जाएगी। केकड़ा के बारे में बताया जा रहा है जो लास्ट सीसीटीवी कल जी हिंदुस्तान ने एक्सक्लूसिव दिखाया था मकसूद, जिसमें दिख रहा है कुछ लोग सिद्धू मूसेवाला को घेर कर सेल्फी ले रहे थे, वो केकड़ा था जो सेल्फी ले रहा था और उसी ने शूटर्स को आगे टिप दी कि ये बिना सिक्योरिटी के जो है सिद्धू मूसेवाला अपने घर से रवाना हुआ है और बिना बुलेट प्रूफ वाली कार के कार से वो रवाना हुआ है। उसी आधार पर ठीक 14 मिनट बाद उसकी हत्या जो है वो कर दी जाती है। तो केकड़ा की गिरफ्तारी इसीलिए जरूरी है क्योंकि केकड़ा ही वो इन्फॉर्मेशन पास कर रहा था, लगातार रेकी कर रहा था, 2 से 3 दिनों से सिद्धू मूसेवाला के घर के ईद गिर्द देखा गया था और आखिरी बार जब 14 मिनट पहले सिद्धू मूसेवाला घर से निकले थे तब सेल्फी भी केकड़ा ने। इतने बने रहिए, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें पहले दर्शकों को। मानसा में सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। सिद्धू मूसेवाला को राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी और पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया, कहा पंजाब में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है, मूसेवाला के परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस के नेता थे, कार्यकर्ता थे, विधानसभा चुनावों के दौरान इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था। और ये राहुल गांधी की तस्वीरें जब सिद्धू मूसेवाला के परिवार से मिलने के लिए उनके गांव वो पहुंचे, उनके घर पर पहुंचे, श्रद्धांजलि दी और परिवार को इंसाफ दिलाने का वादा किया। चले हितेन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ, हितेन आप नजरें बनाए रखिएगा, आपसे लगातार आगे अपडेट लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए